नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र उमेश कुमार कुशवाहा। आज जो मैं वीडियो बनाया हूं उसको आज पूरा देखें आप। मैं जो बकरी के मेमना आप देख रहे हैं, दो मेमने हैं, बकरी ने अभी बच्चे को जन्म दिया है और ये इसका मैं पूरा वीडियो बनाया हूं पॉज कर करके, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। फिर भी मैंने सफल डिलीवरी दिखाने का भरपूर कोशिश किया है कि बकरी का डिलीवरी के समय क्या क्या बातों का सावधानी रखना चाहिए, मैंने उस वीडियो में दिखाया है। तो आप पूरा वीडियो को आज पूरी रूप से वीडियो बिना एक मिनट गैप किए हुए पूरे वीडियो को देखें कि मैंने किस तरीका से बकरी को सफल डिलीवरी कराया है। हालांकि डिलीवरी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, अगर आप सोचें, अगर मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि आज जो मेमने की मैच्योरिटी है, मेमने बच नहीं पा रहे हैं और पशुपालक इसमें पिछड़ रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि बकरी पालन और गाय पालन में सबसे बड़ा अंतर यहाँ ये है कि गाय ने यदि बच्चे को जन्म दिया, बछड़े को जन्म दिया और बछड़ा किसी कारणवश भगवान न करे अगर मर जाता है, तो आप दूध बेच के जी लेते हैं, अपना जीविका चला लेते हैं दूध बेच के। लेकिन बकरी में यदि मेमने नहीं बचे हैं आपका, तो फिर आप बकरी पालन करने से आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टोटल पूंजी आपके मेमने ही है मित्रों। तो इस बकरी का मैंने किस तरीके से सफल डिलीवरी कराया, हालांकि मेरा रिकॉर्ड है कि मैं आज तक एक भी मेमने को मैं मरने नहीं दिया। आज टोटल मेरे पास 42 मेमने हैं आज के डेट में। इसमें मेमने देख रहे हैं, उसमें मेमने हैं मेरे, उसमें मेमने हैं। इधर 3-4 दिन के अंदर में मेरे 3-4 बकरी बच्चा दी है, तो और पहले से भी मेरे मेमने हैं। इससे पहले 7 महीना पहले जो बकरी बच्चा दी है, इसका मेमने कम से कम 21 किलो के हो चुके हैं। उसके बाद दोबारा बच्चा दी है, तो मैं प्रॉपर मेमने बचाता हूँ और मैं इसमें मेहनत करता हूँ। तो मैं किस तरीका से सफल डिलीवरी कराता हूँ, जो मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल देखें, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें। इसमें मैंने पूरा डिलीवरी को बिल्कुल लाइव आपको दिखाया है। इससे पहले जो बकरी डिलीवरी की दी है, जो बच्चे को जन्म दी है, उसको मैंने पूरा वीडियो शूट किया है, थोड़ा थोड़ा क्लिप बना के शूट किया है, जिसको मैं जोड़ के आपको इस वीडियो में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों पूरा वीडियो को देखें और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नंबर बार बार आप मांगते हैं, डिस्क्रिप्शन में है, आप नंबर उसमें देख लें और वीडियो को बिल्कुल आप लोग लाइक करें। मैं बार बार बोलता हूँ कि सब्सक्राइब तो आपकी मर्जी है, मैं ज्ञान दूंगा तो आप जरूर करेंगे, वो अलग बात है, उस सब्सक्राइब के लिए कोई रिक्वेस्ट है मेरा नहीं है। लेकिन बिल्कुल लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और मित्रों को मदद मिल सके, और लाइक करने से मेरा हिम्मत बढ़ता है मित्रों। तो धन्यवाद, पूरा वीडियो को आप देखें। वीडियो में मैंने पूरा डीपली इसको बताया है कि किस दवाओं को कब इस्तेमाल करना है, सफल डिलीवरी किस तरीके से कराना है, ताकि आपके मेमने बिल्कुल टोटल के टोटले में टोटल मेमने आपके बचे, एक का भी मौत ना हो, इसलिए मैंने डिलीवरी में दिखाया है। अगर वो प्रक्रिया आप करते हैं तो आप एक बिल्कुल सफल पशुपालक हो सकते हैं, बिल्कुल आप बनेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बकरी 10 मिनट के अंदर में बच्चा दे देगी। देखिए पोजीशन इसका ये है, बच्चे बाहर आ रहे हैं। शायद उस समय मैं अकेले हूँ और मेरे साथ कोई करने वाला नहीं है। आपको मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि मैं अकेले हूँ और मेरी वाइफ है, हम दोनों मिलके ही सारा काम अपना करते हैं। तो उस समय का मैं शायद वीडियो नहीं बना पाऊँ, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे ही बच्चा बाहर आएगा, उसका मैं धागा रखा हूँ, धागा से बच्चे की तरफ से 2 इंच छोड़कर मैं धागे से बांध दूंगा उसे, बच्चे का नाल को, और 2 इंच बच्चे की तरफ से छोड़ के यहाँ मैं बांध दूंगा। इसके बाद इतना बीच में छोड़ के फिर माँ की तरफ से मैं बांध दूंगा। बीच से इसे मैं काट दूंगा और काट के उस पर मैं टिंचर आयोडीन में उस पर बच्चे के नाल पर जो मैंने काटा है उस पर टिंचर आयोडीन लगा देने हैं। बिल्कुल नाभि इन्फेक्शन से बच जाएगा, भविष्य के लिए ठीक है। टिंचर आयोडीन बिल्कुल बच्चे के नाभि पे लगा देने हैं, जो मैं नाल काटूंगा, नाल काटने के बाद, या नाल स्वयं अगर अपने आप भी टूट जाए तो भी टिंचर आयोडीन लगा देने हैं। ऐसे लगातार 3 दिनों तक लगाने हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चा बाहर आ जाएगा, तो बच्चा जैसे ही बाहर आ जाएगा तो उसे मैं गूंड रखा हूँ, थोड़ा सा गूंड बच्चे के तालू में चिपका देने हैं। जो बच्चा मेमना आएगा बाहर, उसके मुंह में थोड़ा सा गूंड को तालू में चिपका देना। इससे ये होता है कि बच्चे मुँह चिलबिलाते हैं और उसके साथ वो सारा कचरा उसके बिल्कुल साफ हो जाता है, जिससे बच्चे बहुत जल्दी दूध पकड़ लेते हैं। उसके बाद का मैं वीडियो फिर आपको दिखाऊंगा, इतना मैं शायद आपको दिखा नहीं पाऊँ व्यस्त होने के वजह से, इसलिए मैं पहले बता दिया। जैसे ही बच्चा बाहर आ जाए, सबसे पहले देखिए बच्चा भी तुरंत बाहर आया है, सबसे पहले उसका मुंह साफ करो। हाँ, मुंह साफ बिल्कुल जी, बच्चा बाहर जैसे ही आए उसका नाक और मुंह सबसे पहले आप साफ करें, सारा काम छोड़ के बाकी बात के बाद में। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका मुंह साफ करना, क्योंकि जैसे ही बाहर आता है माँ का कनेक्शन इसके अभी जुड़ा हुआ है, जैसे ही टूटता है माँ का कनेक्शन तो इसे नाक और मुंह से ही सांस लेने होते हैं। तो मुंह अगर आपने साफ नहीं किया है और इसका माँ का गर्भ का नाल अगर टूट गया हो तो फिर बच्चे खतरे में आ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल सूती कपड़ा, जी मैं पहले बोला कि ये रखना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से इसे साफ करें। ठीक है, मैं थोड़ा इसको स्टॉप करता हूँ, फिर मैं आगे दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाता रहूँगा तो फिर नाल काटने हैं, उसमें टिंचर लगाने हैं, अकेले हो नहीं पाएगा।
देखिए दो दो बच्चे दे चुकी है, ये बकरी बरबरी है, लेकिन मैंने इसको क्रॉस ब्रीड से सिरोही और बरबरी के क्रॉस बकरे से कराया था, जिसका बच्चा मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, उजला बच्चा था, फिर दोबारा उजला बच्चा ही दी है। तो दो बच्चे का जन्म हुआ है अभी, जो मैं दिखा रहा था आपको लगातार। देखिए जैसे ही बच्चा बाहर आ गया, मैंने उसको नाल को काट के धागे से बांधा है। देखिए आपको धागा दिख रहा होगा, दिखाओ जी धागा, देखो इस तरीका से मैंने धागा से बांधा है। और इस पर टिंचर बेंजुआइड जो आता है, ये दवा आप गौर से देख लें, ये टिंचर बेंजुआइड आईपी, इसको मैंने इसके नाभी पे लगाया है। लगाओ, उसको भी लगाओ, तो बिल्कुल बच्चे के नाभी पर लगाएं। और ये प्रक्रिया आपको 3 दिनों तक करने हैं, 3 दिन तक बिल्कुल नाभी पर ही टिंचर को बेंजुआइड को आपको लगाने हैं। चलो तालू में गुड़ दे दो। बच्चे के यही देख रेख बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसी के लिए ट्रेनिंग किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत सारे लोगों को कहना है कि मेमना ही नहीं बच पाता है, तो मेमना बचे कैसे, देख रहे हैं बहुत सारे वर्क करने होते हैं, एक्टिव रहना होता है, अगर थोड़ा सा भी आप चूके तो ये बाद में नुकसान का कारण बन सकता है। मेमने 15 दिन तो सही रहेंगे, लेकिन 15 दिन के बाद मैच्योरिटी के शिकार हो जाते हैं, यानी मेमने बहुत कम बच पाते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही बच्चा बाहर आया, उसका नाखून भी तोड़ दें, जो गर्भ का जो नाखून है ना, उसको तोड़ देने हैं। ये प्रक्रिया आप करें, एक को तालू में गूंद देके दिखाओ, फिर दूसरा में अपना करते रहना, टाइम लग जाएगा। ये गूंद इधर है, ये थोड़ा सा गूंद, बिल्कुल बच्चा का जैसे ही जन्म हो, बिल्कुल गूंद थोड़ा सा खिला देने हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, अगर जानना है तो लास्ट तक देखें देखें। अभी और कुछ भी करने हैं, अभी इसके माँ के साथ कुछ प्रक्रिया करना है, वो मैं बताऊँगा। इस तरीका से दोनों के तालू में लगा दिया गया है। अब ये बच्चे, ये गूंद लगाने से ये होता है कि जितने इसके मुंह में गंदगी हैं, लार हैं, हालांकि पहले पोंछ दिया गया है, लेकिन जो भी इसके मुंह में गंदगी रह गए हैं, वो गूंद डाल देने से मुंह में थोड़ा सा चबलाहट महसूस करेगा। जिस तरीका से बच्चे टॉफ़ी को चूसते हैं ना, चॉकलेट को खा चूसते हैं, उस तरीका से ये चूसेगा उसे, और सारा कचरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, इसका क्लियर हो जाएगा, पूरा मुँह क्लियर हो जाएगा, जिससे इसे दूध पीने में बहुत आसानी होगा और बच्चे बहुत जल्दी अपनी माँ का दूध पकड़ लेंगे। एक प्रक्रिया आपको और करने हैं, जो आप लोग को कहते हैं कि मेमना मेरा, मेमना जिसे आप लोग कहते हैं कि मेमना मेरा 15 दिन का है जी, 20 दिन का है, और उसे क्या कहते हैं, जूं हो गया है, जूं हो गया है, मोकन हो गया है, उसके लिए क्या करने हैं भाई दोस्तों, कि इसको डिटॉल डिटॉल या सेवलॉन जो भी आपके पास है, उसे आपको ये करने हैं कि थोड़ा सा कपड़ा में लेकर, देखिए थोड़ा सा कपड़ा में लेकर बच्चे को तुरंत इसे पोंछ देने हैं, नहलाने नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन कुछ लोग नहला देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करने हैं। डिटॉल बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा में लेके इसे बिल्कुल मेमने को पोंछ दें आप, इससे जो जू अठैल वाला जो भी समस्याएं हैं, कीड़े जो शरीर के हैं, वो बिल्कुल मेमने को नहीं होंगे, तो गंदगी से ही होते हैं ये डिटॉल। आपको लग रहा होगा कि डिटॉल से क्या कनेक्शन है जीवाणुओं का, तो ये आपका सोच है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आप डिटॉल कपड़े में दे के उसी समय बच्चे को पोंछ देते हैं, तो उसके शरीर में कीड़े नहीं होंगे। जब बकरी का डिलीवरी हो जाए, तो आधा घंटा आपको इंतज़ार करना है। हालांकि ये दो बच्चे दे दी है, तीसरा बच्चा ये नहीं देगी मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आधा घंटा 30 मिनट वेट करने हैं। 30 मिनट में अगर इसको तीसरा बच्चा देना होगा तो दे देगी, और नहीं देना होगा तो नहीं देगी। तो 30 मिनट इंतज़ार करने के लिए इसका प्लेसेंटा बाहर बिल्कुल साफ़ सुथरा आ जाए, और अगली बार बकरी बिल्कुल टाइम से प्रेग्नेंट हो, इसके लिए हमें हेक्सापार नामक दवा या दूसरा कंपनी का भी, बहुत सारे कंपनियों का आते हैं यूट्रस साफ़ करने वाले, जड़ हरने वाले, जिससे प्लेसेंटा बाहर आसानी से निकलता है और इसका जो भी बच्चेदानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है, मैं यूट्रस साफ़ हो जाता है आई मीन, तो उसका इस्तेमाल आधे घंटे के बाद आपको करने हैं। 15 ml बकरी को देना है लगातार, उसको हेक्सापार को 7 दिन देना है, वो भी मैं दे के आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अब चूंकि बकरी जन्म बच्चा को दे चुकी है, आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम क्या करेंगे, दो दवा का इस्तेमाल करने हैं, एक हेक्सापार आपको 15 से 20 ml देने हैं बकरी को, और एक टाइम दिन में एक टाइम देने हैं 15 ml, इस तरीका से इसका 7 दिन बिल्कुल रेगुलर इस्तेमाल करने हैं। एक ग्लूकाबूस्ट है, क्योंकि बकरी बच्चा दी है, बिल्कुल पस्त है, बैठी हुई है, बिल्कुल हरासमेंट में है, तो इसमें से भी हम 10 ml इसको देंगे, और इसको भी 10 ml हम देंगे कम से कम 5 दिन, इससे बकरी को एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि
अब आपको लगता होगा कि इतना दवाओं का खर्चा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे मित्रों। अगर आपने टाइम टू टाइम शेड्यूल को मेंटेन किया तो आप बकरी पालक सक्सेस होंगे, आपके मेमने बचेंगे, टाइम टू टाइम बकरी बच्चा देगी और स्वस्थ रहेगी। तो पहले मैं एक सा पार दूंगा, उसके 10 मिनट बाद मैं ग्लूकोज बूस्ट दूंगा। तो मैं एक को दिखा देता हूँ, इसको मैं 15 मिनट बाद दूंगा। तो पहले एक सा पार जब बकरी बच्चा दे दे, आधा घंटा हो जाए, कम से कम 30 मिनट उसके बाद इसे देने हैं। 15 ml मैं इसको दूंगा, ये 10 ml और 5 ml मैं और दूंगा। उसके 10 मिनट बाद मैं ग्लूकोज बूस्ट दूंगा। और वीडियो को अंत तक बने रहें, डिलीवरी पूरा देखें, पूरा समझें, अधूरा ज्ञान बहुत दिक्कत देता है, इसलिए पूरा देखें। मैं जब बता रहा हूँ तो पूरा देखें। इस तरीका से कभी बकरियों को देखिए, मैंने आगे से इसको काटे हुए हूँ, सीधा जो निकला हुआ रहता है उसको काट देने हैं, ताकि बकरी को साइड से देने हैं। बकरी को कभी भी दवा साइड से पिलाएं, स्ट्रेट में अपना दें, सीधा आप देंगे बकरी को फेफड़े में चल जाएगा और उससे उसको टिंचर निमोनिया हो सकता है। तो मैंने 10 ml उसको दिया, 5 ml और ये, तो 15 ml बकरी को। इस तरीका से मैं इसे सात दिन मैं इसको पिलाऊँगा। पॉज करो। हाँ देखिए दोस्तों, जब वहीं रहो, जब बकरी क्या बच्चा दे दी, उसको तैयार करने के लिए उसको क्या करने हैं, गर्म पानी इसमें 2 चम्मच हल्दी और कम से कम 100 ग्राम गुड़ डालो। इसको खौला देने हैं, खौला के जब ठंडा हो जाएगा तो बकरी को पिलाने हैं। कम से कम 300 ग्राम आपको पानी लेने हैं, 300 से 400 ग्राम पानी, उसमें 2 टेबल स्पून जो चम्मच होता है उसे 2 चम्मच हल्दी और 150 ग्राम या 200 ग्राम उसमें आपको गूंद ले लेने हैं। सबको मैं खौला दूंगा, खौलाने के बाद ठंडा हो जाएगा। तो चूंकि ये बकरी बच्चा दी है, तो बच्चा जनी है, तो उसको मैं इसको पिलाऊंगा। इसको पिलाने से उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा और देह के सारा दर्द पीड़ा वो ठीक हो जाएगा। ये मेरी माँ है, मेरा छोटा सा परिवार है, मेरी बेटी अभी मोबाइल पकड़ी हुई है, मेरी वाइफ ऊपर जो डिलीवरी बकरी का हुआ है तो वहाँ उसका देख रेख कर रही है मेरी वाइफ, मेरी बच्ची वीडियो बना रही है, मेरी बेटी जो कि 8 साल की है अभी, और ये मेरी माँ है। हम लोग पूरे परिवार मिलके कोई भी काम पूरे परिवार हम लोग मिलके करते हैं। ये छोटा सा मेरा परिवार है, बाकी आप लोग मेरे परिवार हैं। तो इस तरीका से गुड़ हल्दी हम इसको डाल के गर्म करेंगे पानी में, और इसको बकरी को जब ठंडा पीने लायक हो जाएगा तो हम बकरी को पिलाएंगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा मैं आपको किचन में भी ले आया था कि आप ये भी देख लें, इसको नज़दीक से देखें। देखें मैंने इसमें 2 चम्मच हल्दी, 200 ग्राम 150 ग्राम के लगभग गुड़ और 300 ml के लगभग पानी है मैंने इसको डाला है। आइए मेरी माँ बना रही है आप मेरी माँ को भी आई देख लें। तो फिर मैं इसको बकरी को पिला के आप लोग को दिखाता हूँ, मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये मैं गुड़ वाला पानी जो नीचे मैंने पानी बनाया था अभी किचन में, जो कि आप देखे थे, उसको मैं बकरी को पिलाऊँगा। देख लेने हैं, ज़्यादा गर्म नहीं है, चेक कर लेने हैं, ठंडा कुछ हो जाए तब कुछ गुनगुना रहे। इस तरीका से इसको पिला देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करने हैं, बहुत सारे लोग के दिमाग में है कि जब तक ये जड़ नहीं हरे बकरी तो मेमने को दूध नहीं पिलाना है, ये बहुत लोग के दिमाग में चलता है। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। बच्चे आपका जो मेमने है इसका फर्स्ट वैक्सीनेशन, क्योंकि पहला वैक्सीन आपको 3 महीना से पहले लगने नहीं है, जो कि आप ईटी का लगाएंगे 3 महीने 90 दिन पे। तो 90 दिन तक ये बच्चे कैसे बचेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है कि ये माँ का जो पहला दूध है यही इसका टीका है, यही वैक्सीन है। इसमें कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। मेमने को माँ का दूध डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर में बिल्कुल पिला देने हैं। अभी इसका लगभग 40 मिनट लगभग हो चुका है मेरे घड़ी के टाइम से बच्चा दिए हुए, मैं वीडियो को रोक रोक के बना रहा हूँ। 40 मिनट हो चुका है, मैंने सारा प्रक्रिया कर दिया है। अब इसका मैं दूध इसको पिलाऊंगा, जबकि अभी तक जड़ें बाहर नहीं की है, पलसेंटा नहीं हरी है, लेकिन फिर भी मैं इसको दूध पिलाऊंगा। तो दूध किस तरीका से, मेमने को मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं पिला सकता, इसको मैं किस तरीका से साफ करता हूँ, क्या एंटीबायोटिक मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ और कैसे मैं पिलाता हूँ उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो लाओ बाहर से लाओ डिब्बा, लाओ दवाई बोलती है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसे आप देखें, पोटेशियम पर मैग्नेट। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का इसको रेशियो रखना है, मुझे अंदाज है, मैं करता हूँ 0.5 लीटर पानी है तो मैं 0.5 ग्राम इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट मैंने डाला, इसमें मिलाकर इसका थन को पोछने हैं, पकड़ लो। उठ जा, उठो उठो।
इस तरीका से इसके धनों को पूछ देने हैं पोटेशियम के पानी से। यही सब छोटी छोटी बातों पे लोग गौर नहीं करते हैं। अब बाद में मेमना मरने लगता है, उनका तो बोलते हैं कि मैंने ट्रेनिंग लिया था फिर भी मुझे मेरे मेमने बच नहीं रहे हैं। अरे भाई, आपने ट्रेनिंग लिया लेकिन आपने उसको फॉलो कहाँ किया? या तो आपको बताया नहीं गया, या फिर बताया गया तो आप उसको माने नहीं। इसको करने के बाद इसको सूखे कपड़े से हम इसको पोंछ देंगे। और इसके साथ क्या करने हैं, जो पहला इसका जो छिद्र बंद रहता है इसको हम क्या करेंगे, पहले खोल देना है। एक धार हम इसका दोनों का नीचे गिरा देंगे। अब हम मेमने को बिल्कुल पिला सकते हैं।